हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 स्टेट बोर्ड साइंस पार्ट 2 का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है टोवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। चलिए गाइस, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी मीन्स काम करने की क्षमता। जैसे मानो आपको पबजी खेलना है, तो आप उतने ही समय पबजी खेल सकते हो जितने आपके मोबाइल में बैटरी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दो फार्मर हैं, दोनों के पास 10-10 एकड़ खेती है। दोनों को अपने फार्म में सीड बोइंग का काम खत्म करना है। पहला फार्मर सीड बोइंग का काम एक दिन में ही खत्म कर देता है, जबकि दूसरे फार्मर को पूरा एक हफ्ता लग जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग है, तो दोनों के काम करने की क्षमता भी अलग है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी मेनली टू टाइप्स के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हाइट या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। वही मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल है, अगर कोई स्टोन किसी हाइट पर रखा हुआ है तो हम कहेंगे उस स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी है। ऑन पेडलिंग बाइसिकल मूव करने लगेगा तो हम कहेंगे बाइसिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी के और भी कई सारे फॉर्म्स हैं, एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हमें सीखना है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर। तो इस चैप्टर में हमें वही सीखना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम कैसे यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन करेंगे। अब जितने भी पावर प्लांट इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, उसमें से मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इस प्रिंसिपल में कंडक्टर को स्टेशनरी रखते हुए मैग्नेट्स को मूव किया जाता है, या फिर मैग्नेट्स को स्टेशनरी रखते हुए कंडक्टर को मूव किया जाता है ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिले। आपको ये पता है कि पावर प्लांट में जनरेटर का यूज़ किया जाता है और जनरेटर में टर्बाइन्स मैग्नेट को रोटेट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहला हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट। फर्स्ट चेम्बर है बॉयलर। बॉयलर में फ्यूल यानी कि कोल डालकर उसे कम्बस्ट किया जाता है। कंबशन के दौरान लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो वाटर पाइप्स एब्सॉर्ब करते हैं और वाटर का कन्वर्जन स्टीम में कर देते हैं। ये स्टीम टर्बाइन्स पर प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे टर्बाइन्स रोटेट करने लगते हैं। टर्बाइन कनेक्टेड होता है जनरेटर से एक शाफ्ट के जरिए। अब जैसे जैसे टर्बाइन रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा और शाफ्ट के जरिए जनरेटर रोटेट करता है, एंड जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो सप्लाई कर दी जाती है ग्रिड्स की तरफ। जो स्टेम टर्बाइन को रोटेट कर रहे थे उनका कंडेंसेशन फिर से वाटर में किया जाता है कंडेंसर के थ्रू। ऐसे अब हम वो देखते हैं। पिक्चर में आपको एक कूलिंग टावर नजर आ रहा है जो नीचे के साइड से एयरी होता है। कंडेंसर से कूलिंग टावर की ओर जो पानी आ रहा है वह गर्म है। कूलिंग टावर में उस हॉट वाटर को हाइट से स्प्रिंकल किया जाता है, जहाँ बाहर से आ रही ठंडी हवा उसे कूल कर देती है। फिर इस कोल्ड वाटर को पंप के जरिए फिर से कंडेंसर की तरफ भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से टर्बाइन से कंडेंसर की तरफ आया हुआ हॉट वाटर कोल्ड हो जाता है, एंड ये कोल्ड वाटर फिर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए बॉयलर की तरफ दे दिया जाता है। कोल्ड कंबशन के दौरान बॉयलर में जितने भी कंबशन गैसेज मिल रहे हैं उन्हें स्टैक के जरिए एटमोसफियर में एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। कोल बर्निंग से हमें इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूर मिल जाती है, पर इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। जैसे बर्निंग के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस, इनके साथ साथ इमिशन होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का, जो कि सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर इसी स्पीड से हम कोल इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यूज़ करते रहे तो फ्यूचर यूज़ के लिए कोल अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पर कोल बहुत ही लिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, जैसे यूरेनियम 235। इसका फ्यूजन यहाँ हमें देखने मिलता है। यूरेनियम 235 का फ्यूजन होता है एक स्टील प्रेशर वेसल में, जिसे हम कहते हैं रिएक्टर। इस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशन क्रिएट हो रहे हैं वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं एक कॉन्क्रीट चेम्बर के थ्रू, जिसमें ये रिएक्टर एनक्लोज्ड होता है। रिएक्टर के कोर में एक ब्लॉक होता है जो बना होता है ग्रेफाइट का, और उसे हम कहते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो डाउन करता है। यूरेनियम रॉड्स के बीच में हमने बोरॉन के रॉड्स यूज़ किए होते हैं, जिनका फंक्शन होता है एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करना, ताकि फ्यूजन रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। रिएक्टर चेम्बर से हम बोरॉन रॉड की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
फिजन रिएक्शन के दौरान रिएक्टर में जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसे रिएक्टर से बाहर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड सोडियम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसे हम कूलेंट भी कहते हैं। कूलेंट ये हीट बॉयलर की तरफ दे देता है जिसमें वाटर प्रेजेंट है और वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो जाता है। अब ये स्टीम टर्बाइन चेंबर तक दे दिए जाते हैं जिससे टर्बाइन रोटेट करने लगते हैं। टर्बाइन की हेल्प से शाफ्ट रोटेट करने लगता है एंड शाफ्ट की हेल्प से जनरेटर। अब ये स्टीम टर्बाइन चेंबर के आउटलेट से कंडेंसर की तरफ आती है जहां स्टीम का कन्वर्जन कूलिंग टावर से आने वाले ठंडे पानी के जरिए वाटर में कर दिया जाता है और ये वाटर फिर से बॉयलर की ओर भेज दिया जाता है स्टीम में कन्वर्जन करने के लिए। हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की इक्वेशन। यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया जाता है जिससे यूरेनियम 235 फीज होकर यानी बर्स्ट होकर बेरियम 139 प्लस क्रिप्टॉन 94 और न्यूट्रॉन के तीन एटम फॉर्म करता है। जरूरी नहीं कि इस रिएक्शन के दौरान हमें बेरियम या क्रिप्टॉन ही मिले, पर मैक्सिमम टाइम साइंटिस्ट को बेरियम एंड क्रिप्टॉन ही मिले हैं, इसीलिए इस रिएक्शन में हम बेरियम और क्रिप्टॉन ही बताते हैं। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से जब हम इसके वेस्ट एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर देते हैं तो कई हजार सालों तक ये रेडिएशन इमिट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज होने का भी रिस्क रहता है जिस दौरान इससे लीक होने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल सीरियस डैमेज कॉज कर सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन लाइफ को। नेक्स्ट, इस पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही हाई कॉस्ट आता है। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस। इस पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज होता है वो बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट में फ्यूल चेंबर से नेचुरल गैस यानी मीथेन एंड कंप्रेसर से एयर कंबशन चेंबर की तरफ भेज दी जाती है जहां एयर के प्रेजेंस में नेचुरल गैस कंबस्ट होकर के एक हाई प्रेशराइज्ड गैस प्रोड्यूस करती है जो टर्बाइन चेंबर की तरफ भेज दी जाती है जिससे टर्बाइन रोटेट करने लगती है और फिर शाफ्ट एंड फाइनली जनरेटर। एंड टर्बाइन चेंबर के आउटलेट से ये हॉट गैसेस को बाहर इमिट कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे इसके लिमिटेशंस। नेचुरल गैस को बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड जिस स्पीड में आज हम इस नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं फ्यूचर में ये डिप्लीट हो जाएंगे। अभी तक जो पावर प्लांट हमने देखा उसमें हमने सीखा केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम स्टडी करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिसमें हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में एंड काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए हमें ज़रूरत होती है बड़े वाटर रिजर्वायर की जैसे कि डैम, जो कि पर्टिकुलर हाइट पर बांधा जाता है जहाँ की एक हाइट पर वाटर को स्टोर किया जाता है। डैम के स्विच गेट्स ओपन करते ही हाइट से वाटर मूव करने लगता है जहां पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में और उस मूविंग वाटर की हेल्प से टर्बाइन्स मूव करने लगते हैं। अब ये रोटेटिंग टर्बाइन घुमाएंगे शाफ्ट को एंड फाइनली जनरेटर को जहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वह सप्लाई कर दी जाती है ग्रिड्स के तरफ। हम देखेंगे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स। इस रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी स्पेस लगती है जहां बहुत सारे गांव, फॉरेस्ट, फर्टाइल लैंड सबमर्ज करने पड़ते हैं। एक्वेटिक लाइफ को भी काफ़ी दिक्कत आती है। अब हम देखेंगे विंड मिल, जहां विंड मीन्स काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विंड मिल का हेड पार्ट बना होता है विंड टर्बाइन, रोटर, लो स्पीड शाफ्ट, गेयर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट एंड जनरेटर से। विंड चलने पर विंड टर्बाइन रोटेट करते हैं। रोटर की हेल्प से लो स्पीड शाफ्ट घूमने लगता है। लो स्पीड शाफ्ट से गेयर बॉक्स एंड गेयर बॉक्स की हेल्प से हाई स्पीड शाफ्ट घूमने लगता है। हाई स्पीड शाफ्ट कनेक्टेड होता है जनरेटर से। ये फाइनली जनरेटर को रोटेट करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वह केबल के जरिए पावर स्टेशन की तरफ दे दी जाती है। यहाँ जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वह डीसी फॉर्म में होगी। उसका एसी में कन्वर्जन करता है विंड चार्ज कंट्रोलर। गेयर बॉक्स का यहाँ फंक्शन है स्लो स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट करना। लो स्पीड शाफ्ट घूमते हैं 10 से 60 रेट पर मिनट की स्पीड से, वही हाई स्पीड शाफ्ट घूमते हैं 1500 रेट पर मिनट की स्पीड से। गेयर बॉक्स की जरूरत 10 किलो वैट वाले विंड टर्बाइन में ही होती है। एनीमोमीटर विंड के स्पीड के हिसाब से टर्बाइन की स्पीड एडजस्ट करता है, वही विंड वेन विंड के डायरेक्शन में टर्बाइन की डायरेक्शन एडजस्ट करता है। हम देखेंगे इसके लिमिटेशन। इस पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन बहुत ही कॉस्टली होता है।
विंड वेलोसिटी नेसेसरी होती है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी। इसमें फर्स्ट टाइप हम देखेंगे सोलर फोटोवोल्टेक सेल। बहुत सारे सेल्स को मिला के बनता है एक पैनल एंड बहुत सारे पैनल्स को मिलाकर बनता है एक एरे। पैनल्स को कनेक्टेड होता है एक सोलर ट्रैकिंग सिस्टम जो इन पैनल्स को सन की डायरेक्शन में मूव करवाता है। पैनल्स कनेक्टेड होते हैं कन्वर्टर से। कन्वर्टर का काम है मैक्सिमम पावर पॉइंट को मेंटेन करना। अब ये मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई। ये पैनल को ऐसे पॉइंट पर एडजस्ट करता है जहाँ हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट मिले। देन कन्वर्टर कनेक्टेड होते हैं इन्वर्टर से या फिर बैटरी से। बैटरी की जरूरत होती है 1 मेगावाट से 5 मेगावाट तक के सोलर पावर स्टेशन के लिए। 5 मेगावाट से ऊपर वाले पावर स्टेशन इन्वर्टर का ही यूज करते हैं एंड इंडिया में सारे सोलर पावर स्टेशन 400 मेगावाट के ऊपर के ही है। अब ये इन्वर्टर डीसी वोल्टेज का एसी वोल्टेज में कन्वर्जन करते हुए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाले 3-फेज ग्रिड्स को सप्लाई कर देता है। सेकेंड टाइप है सोलर थर्मल पावर प्लांट। इस पावर प्लांट में जो पैनल हमने यूज किए हैं वह हीट रिफ्लेक्टर का काम करते हैं। सन से आने वाली हीट को ये पैनल रिफ्लेक्ट करेंगे वाटर पाइप की तरफ। अब ये पाइप इस हीट को एब्सॉर्ब करके वाटर का कन्वर्जन स्टीम में कर देते हैं। की हेल्प से टर्बाइन रोटेट होता है। टर्बाइन की हेल्प से शाफ्ट एंड शाफ्ट की हेल्प से जनरेटर। जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और पावर ग्रिड्स को सप्लाई कर देता है। ये स्टीम कंडेंसर में कूलिंग टॉवर के जरिए आने वाले कोल्ड वाटर के जरिए वाटर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और ये कोल्ड वाटर फिर से पाइप में सर्क्यूलेट कर दिया जाता है। यह चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।